सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं हम जो कि कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन होने वाला है क्या? कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है, ऐसे लिखना है हमें, कोरोना वायरस पर, कोविड 19। तो देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसे हम लेकर आ चुके हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं हाल ही में दिसंबर में फैला था ये, और जो कि चीन से फैला था, वुहान शहर से चीन के। तो वही सब कुछ लिखा है, देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, और हम बताते हैं। तो हम वही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लगातार आपको मिलते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखता है, क्या चीज़ है, किसने इसकी वो खोज की, या क्या चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ हमें लिखना पड़ता है प्रस्तावना में। और कोई भी टॉपिक हो निबंध के लिए प्रस्तावना उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जानते हैं इसको, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है, ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जानते हैं, जो WHO होती है, हमारी वर्ल्ड की जो स्वास्थ्य बड़ी संगठन होती है स्वास्थ्य वाली, तो उसने क्या है कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। अब आप जानते हैं कि बाल की तुलना में, मानव का जो सर का बाल होता है, यदि वो बाल जमीन पर गिर जाए तो आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, उसकी तुलना में भी ये वायरस 900 गुना छोटा होता है। तो आप लगा लीजिए कि कैसा होगा। लेकिन वायरस का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। ये वायरस जो है दुनिया में बहुत तेजी से फैल चुका है। अब देखिए, इतना हो गया प्रस्तावना। अब आपको बनाना है हेडिंग, कोरोना वायरस क्या है। तो इसमें क्या लिखना है, देखिए, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जैसे जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है, इसका संबंध जो, ये एक ऐसा वायरस है जो कि जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ दे सकता है, ठीक है, इससे समस्याएं हो सकती हैं। यह वायरस चीन के वुहान, देखिए जो मेन हेडिंग है, मतलब मेन चीज़ आ रही है, वो हमने अलग से ही अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, ये पेन यूज़ नहीं करना है, आपको खाली ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करनी है, ठीक है। चीन के वुहान, चीन से फैला था, जो कि चीन में वुहान शहर है, वहाँ से ये वायरस फैला था, जो कि दिसंबर 2019 में फैला था, ठीक है, सब याद रख लीजिएगा, चीन के वुहान शहर से फैला था, दिसंबर 2019 में फैला था, जो कि लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये वायरस ऐसा कोई देश नहीं बचाया जहाँ पे ना फैला हो, कोई होगा लेकिन लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं, कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है, लक्षण ये पता लगाएं कि है कैसे वायरस होता है, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, इस वायरस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बुखार, जुखाम, खांसी, गले में खराश, तो जो आपको नॉर्मल होते रहते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत होते हैं ये, तो वही इसके लक्षण हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप कोशिश करिए कि तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाकर मिलिए और दवाई ले लीजिए और उसका इलाज करवा लीजिए टाइम से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आदि और ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मेन चीज़ यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो हम आपसे कोशिश करेंगे कि आप सतर्कता बनाए रखें, ठीक है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है इसको लेकर, क्योंकि ये वायरस जानलेवा है। यह वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पकड़ में आया था। तो ये वायरस सबसे पहले चीन का वुहान शहर वहाँ पर पकड़ में आया था, ठीक है, वहाँ पर इस वायरस को देखा गया था या पाया गया था, जो कि हमने ऊपर लिखा भी था एक बार। अब देखिए आगे कैसे लिखना है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से, ठीक है, गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। ये जो वायरस है, जो हम खांसते हैं छींकते हैं, तो उनसे जो बूंदें गिरते हैं उनके जरिए फैलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खांसते छींकते समय अपने मुंह पर टिश्यू या रुमाल अवश्य रखिएगा। छींकते हैं जरिए फैलते हैं। यह वायरस अब तक दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है, यही बता दिया। जिसने अब तक ना जाने कितनी जाने ली हैं, इनने सैकड़ों से ज़्यादा लिया, करोड़ों जान ले चुका है ये अभी तक, जिनकी कभी आशंका नहीं लगाई थी दुनिया ने, वैज्ञानिकों ने, किसी ने भी इसकी कभी आशंका नहीं लगाई थी कि दुनिया में एक साथ इतने सारे लोगों की जान जा सकती है, ठीक है, नहीं लगाई थी। दुनिया में इतनी जाने भी कभी एक साथ जा नहीं सकती हैं, तो देखिए दुनिया में इतनी जाने भी कभी एक साथ जा सकती हैं, तो अंत में हमें सावधानी बरतनी है, ज़रूरत है। अब देखिए, जिनकी कभी आशंका नहीं लगाई थी कि दुनिया में एक साथ भी इतनी जाने जा सकती हैं, ठीक है, तो अंत में हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि ये वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो आप सावधानी बरतिए और कोशिश करिए कि घरों से रुमाल वुमाल लेकर निकलिए, मुंह पे मास्क उस्क लगा के निकलिए, ठीक है, तो वही हम कहेंगे
सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप स्वस्थ हो तो आपका परिवार स्वस्थ है, ठीक है। तो अंत में बोलेंगे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।